आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व कर रहे हैं। बड़े ही आसान है। क्या कहता है? इफ 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड W। सिंपल सा, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस तरह के। सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x, 3y, 3z एंड 3w इज इक्वल टू, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस 4, 6 प्लस 6 प्लस x प्लस y, यहां से माइनस 1 प्लस z प्लस डब्ल्यू, एंड यहां से क्या बनेगा 2w प्लस 3। अब ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, व्हेन देयर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहां से 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ये x इधर जाके क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास से 2 हो गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह ये एंड 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, हम x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये जो है 3y, y इधर जाके क्या रह गया 2y, 6 प्लस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, दैट इज 8, तो y की वैल्यू 8 अपॉन 2 कितना बन जाएगा हमारा 4। सिंपल। अब यहाँ से हमारे पास इनको कंपेयर कर लेते हैं पहले, हम क्या कहता है 3w इज इक्वल टू 2w प्लस का 3, यहाँ से इधर जाके माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा w इज इक्वल टू 3, w की वैल्यू आ गई, एंड यहाँ से हम पुट करेंगे एंड 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस का z प्लस का w, w की वैल्यू हमारे पास पता ही है 3 रख देंगे, z इधर जाके माइनस हो गया कितना 2z माइनस 1, और w की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3, सो 2z इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या बना हमारा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 एंड w की वैल्यू कितनी बन गई 3 बन गई। आसान सा था। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, इफ fx इज दिस मैट्रिक्स शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। ध्यान से, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास एफ एक्स ये है, तो एफ वाई क्या होगा, जहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स तो मेरा क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1, दिस इज अवर एफ एक्स। अब एफ वाई, एफ वाई एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, कोस वाई माइनस साइन वाई एंड 0, साइन वाई कोस वाई 0, 0, 0, 1। देखिए ये 3 इंटू 3 की है और ये भी 3 इंटू 3 की है। जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, इसके कॉलम इसकी रोज की इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है, जो नई बनेगी वो 3 रोज एंड 3 कॉलम की बनेगी। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोस एक्स को कोस वाई से, कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, एंड 0 इंटू 0, क्लियर। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बनेगा, कोस एक्स को कोस एक्स माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोस एक्स साइन वाई, इसके बाद कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, माइनस साइन एक्स कोस वाई, एंड 0 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा।
ठीक है, यहां तक हमारा फर्स्ट है, यहां तक हमारा सेकंड एलिमेंट है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 + 0 + 0, ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 0 बन जाएगी। ठीक है, अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसके बाद 0 × 0, 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसके बाद कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई, एंड 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, साइन एक्स इंटू 0 0, कोस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 1 इंटू, ये क्या बन गया, 0 बन गया। ऐसे ही थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी 0 0 एंड 1 इंटू 0 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 0 × 0 0, 1 × 1 क्या बन जाएगा, 1 बन गया। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, देखिए हमारे पास कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, दिस इज कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास क्या हो गया, कोस, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, दिस इज कोस एक्स एंड साइन वाई प्लस का साइन एक्स इंटू कोस वाई, यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये माइनस होने के बाद साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, और लेकिन बाहर क्या है, माइनस माइनस कॉमन लिया था, दिस इज साइन ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, आगे तो हमारे पास क्या है, 0 है। सेम साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी मीन्स साइन ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या फार्मूला होता है, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, 0, और नेक्स्ट यहाँ पे 0 0 एंड 1, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए एफ एक्स हमारा ये था कि कोस एक्स, अगर एक्स है तो कोस के साथ एक्स, साइन के साथ एक्स, 0, यहाँ पे एक्स एक्स, 0 0 0 1। अब अगर यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया तो इट इम्प्लाइज एफ के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे अगर मैं एक्स प्लस वाई लिखता तो ये क्या बन जाता, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 एंड 1, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखा आपने, बहुत ही आसान थे दोनों ही जो क्वेश्चन है, हमें फार्मूलेज भी जरूर पता होने चाहिए, पिछले प्लस वन क्लास में हमने ये सारे फार्मूले किए थे, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी इनको बार बार रिपीट करेंगे तभी जाके याद होते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।